पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि कोई भी आता जाता उस पर हाथ साफ कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब पक्का दोस्त भी जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। पाकिस्तान के साथ अब कुछ ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान में चल रहे दंगों के बीच तुर्की ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बारे में पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा था। पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए तुर्की ने कश्मीर में पहुंचकर एक बैठक में हिस्सा ले लिया। 22 से 24 मई तक कश्मीर में होने वाली G20 बैठक से पहले तुर्की ने भारत को खुश कर दिया है, तो वहीं पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल 11 मई को कश्मीर यूनिवर्सिटी में Y20 यानी यूथ 20 की एक बैठक हुई। Y20 G20 का ही एक हिस्सा है। कश्मीर में हुई Y20 बैठक में G20 देशों के यंग लीडर्स, स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी के डेलीगेट्स ने शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। अब इसी Y20 बैठक में तुर्की पहुंच गया। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि तुर्की इस बैठक में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान का साथ देने वाला तुर्की कश्मीर में आकर बैठ गया। तुर्की को कश्मीर में देख पाकिस्तान के लोग आज खून के आंसू रो रहे होंगे। अब संभावना जताई जा रही है कि तुर्की G20 बैठक में भी शामिल हो सकता है। पाकिस्तान लगातार G20 देशों से कश्मीर में होने वाली इस बैठक का बहिष्कार करने की अपील कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को तो दोस्त तुर्की ने ही जबरदस्त तमाचा मार दिया है। आपको बता दें कि कश्मीर में हुई यूथ 20 बैठक में 17 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि तुर्की तो इस बैठक में शामिल हो गया, लेकिन वो तीन देश कौन से हैं जिन्होंने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया, इन तीनों के बारे में आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि तुर्की ऐसे समय पर कश्मीर पहुंचा है जिस वक्त पाकिस्तान में दंगे चल रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार और सेना कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बिलावल भुट्टो भी लगातार बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को भूलेगा नहीं, लेकिन अब लग रहा है कि शायद पाकिस्तान का सबसे पक्का दोस्त तुर्की इस मुद्दे को भूल रहा है। अब बात करते हैं कि Y20 बैठक में कौन शामिल नहीं हुआ। इस बैठक में चीन शामिल नहीं हुआ। चीन को तो ऐसा करना ही था। चीन के इस कदम से भारत को ना तो कोई हैरानी हुई है और ना ही कोई नुकसान। ये लगभग तय माना जा रहा है कि चीन Y20 की तरह G20 बैठक में भी हिस्सा नहीं लेगा। चीन के अलावा यूरोपीय यूनियन भी इस बैठक में शामिल नहीं हुआ। आपको बता दें कि G20 में 19 देश और यूरोपीय देशों का संगठन यूरोपीय यूनियन शामिल है। यूरोपीय यूनियन आमतौर पर छोटी बैठकों में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन यूरोपीय यूनियन G20 बैठक में जरूर आएगा। तीसरा भारत है। भारत को होस्ट के तौर पर गिना गया है। ऐसे में एक होस्ट खुद को तो न्योता भेजेगा नहीं, इसीलिए Y20 बैठक में 17 डेलीगेट्स शामिल हुए हैं।